दूसरा अध्याय मिस्टर माधव के माध्यम से। मिस्टर माधव कहते हैं कि जब भी हम सांप, सीढ़ी ये शब्द सुनते हैं, हमें हमारा बचपन याद आ जाता है, जहां लगभग हमने परिवार के हर सदस्य के साथ ये खेल खेला होता है। भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ। और खेलते वक्त एक विशेषता होती कि जो ही वो डाइस हमारे हाथ में आता, हम प्रार्थना करते कि 6 नंबर ही आना चाहिए और फिर उसे फेंकते। और कई बार ऐसा होता कि लगातार 6 नंबर आता, हम ऊंचाई पर पहुंचते। और कई बार ऐसा भी होता कि ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते बीच में सांप आता, काटता, हम नीचे आ जाते, है ना। हाँ, मिस्टर माधव आगे कहते हैं कि ऐसे ही हमारे जीवन में कई लोग हैं जो सीढ़ी का रोल निभाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। और जब हमें भीतर से कमज़ोरी महसूस होती है, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ता है, ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं ताकि हम आगे बढ़ें और ऊपर चढ़ें। और ऐसे लोग भी हैं, मिस्टर माधव कहते हैं, हमारे जीवन में जो सांप का रोल अदा करते हैं, हमारा अच्छा भला आत्मविश्वास कमज़ोर कर देते हैं, कभी ताने मार कर तो कभी कुछ, कि जब हम तुम्हारे, किस तरह का ताना मारते हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम्हारे जैसे लोग ही फिर अंत में हार जाते हैं। इस तरह की टीका टिप्पणी करने वाले भी लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमारा उत्साह कमज़ोर कर देते हैं, हमें नीचे उतार देते हैं। अब माधव के अनुसार धीमे से आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, अब उन लोगों का ध्यान कर लें जिन लोगों ने आपके जीवन में सीढ़ी का रोल अदा किया है, माता पिता, टीचर, पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, हेल्पर, कोई भी व्यक्ति जिन्होंने आपके जीवन में सीढ़ी का रोल अदा किया है, नारायण की उपस्थिति में हम उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, मन ही मन धीमे से मुस्कुराते हुए रोम रोम से उनका धन्यवाद कर दीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ धन्यवाद कर दिया, तो गहरी सांस, पर आंखें अभी बंद रहेगी, गहरी सांस लेकर बैठ जाएं। अब उन लोगों का ध्यान कर लीजिए जिन लोगों ने आपके जीवन में सांप का रोल अदा किया है, पर हाँ थम जाइए, किसी भी तरह की नकारात्मक भावनाएं उनके प्रति अपने भीतर मत लाइए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं वो ऐसा इसलिए कहते हैं, ताने इसलिए मारते हैं कि आप जरा सा उकस जाओ, आपको बातें चुभ जाए, आप चुनौती लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां उन्हें ताने सुनने मिले, पर उन तानों को उन्होंने सांप न समझकर सीढ़ी माना, चुनौती माना, और आज ऊंचाई पर सफल जीवन जी रहे हैं। उन्हें भी धन्यवाद, नारायण के ब्लेसिंग सुन के साथ भी उनका भी बड़े प्रेम से धन्यवाद कर दीजिए। जब धन्यवाद हो जाए, गहरी सांस, मुस्कुराते हुए आंखें खोलना है।
अब हमें ये देखना है कि हम कितनों के जीवन में सीढ़ी का रोल अदा करते हैं। आई रिपीट, हम कितनों के जीवन में सीढ़ी का रोल अदा करते हैं। है क्या कोई हमारे इर्द गिर्द ऐसा दो चार लोग भी जो कह सकें इशारा करके कि हाँ तुमने मेरे जीवन में सीढ़ी का रोल अदा किया है। हाँ, पर हम कर रहे हैं ना, हमें करना है। और कई बार सिर्फ आपके दो तीन शब्द ही सफिशिएंट होते हैं उन्हें इनकरेज करने के लिए कि हाँ तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू। इतना कहना भी उन्हें प्रोत्साहित कर देता है। तो माधव कहते हैं कि अब नया साल शुरू हो गया है, हम कई सारे संकल्प लेंगे एक्सरसाइज के या कुछ कुछ जो चीज़ें हम अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उससे संबंधित, तो ये संकल्प भी ले लें कि दिन भर में कम से कम एक जन को तो इनकरेज करेंगे, एक व्यक्ति के जीवन में तो सीढ़ी का काम करेंगे। जिन्होंने ताली बजाई मैं स्वीकार करती हूँ कि उन्होंने संकल्प ले लिया। पहला अध्याय केशव के माध्यम से, दूसरा माधव के नाम से, अब तीसरा आपके पास पहुंच रहा अध्याय श्रीमती कल्याणी के माध्यम से, है ना। श्रीमती कल्याणी कहती है प्रेम, शांति, विश्वास, ये तीन, प्रेम, शांति, विश्वास, ये सिर्फ शब्द नहीं है, आदर्श हैं। आदर्श इनके भीतर समाई हुई है बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता। सदियों से, आई रिपीट, सदियों से इनके बारे में कहा जाता रहा है और सदियों से इनके बारे में कहा जाता रहेगा। अब देखिए ना, जब हम छोटे थे बचपन में, हर माता पिता अपने बच्चों से कहता है सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। एक भी माता पिता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा जाके लड़के या मार किया। यदि पेरेंट्स गलत हों तब भी अपने बच्चों को ये तो नहीं सिखाने वाले, राइट है क्या? चाहे पेरेंट्स गलत रहा पर ऊपर अपने बच्चों को प्रेम करना ही सिखाएंगे, कहेंगे कि प्रेम करना है तुमको सबसे। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें हर स्थिति में शांति बनाए रखनी है। कभी कहा जाता है कि जाओ चीखो और चिल्लाओ, अशांत हो जाओ। हर स्थिति में हमसे कहा जाता है शांति बनाए रखनी है, विश्वास के लिए, विश्वास रखो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, हमेशा ऐसा कहा जाता है। अविश्वास करो, शक करो, डाउट करो, ऐसा बोला जाता है क्या? जब बचपन से ही हमें चीजें सुनते हैं, सुनते आए हैं अब तक, तो कल्याणी कहती है कि फिर भी हम में से कितने लोग हैं जो इन चीजों पर अमल करते हैं। कहती है कल्याणी आगे कि दूसरों की जाने दीजिए, मैं अपनी बात करती हूं। मुझे ये अच्छी तरह से पता है, श्रीमती कल्याणी कहती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे सबसे प्रेम करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, इससे मुझे ही लाभ होगा। पहला तो मेरा मन साफ रहेगा, दूसरा जो चीज़ें मैं अपने जीवन में चाहती हूँ उन्हें मैं आकर्षित करती रहूँगी, पाती रहूँगी। ये चीज़ें मुझे अच्छे से मालूम है कि मुझे प्रेम करना है और सबसे प्रेम करना और हमेशा प्रेम करना, इसका बेनिफिट मुझे ही मिलेगा, मेरा मन साफ रहेगा और उन चीज़ों को मैं आसानी से पा सकूंगी जो मुझे अपने जीवन में चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी कहते कल्याणी कि अक्सर मेरा प्रेम क्रोध से, एक्सपेक्टेशन से, ईर्ष्या से, द्वेष से, इन चीज़ों से भरा हुआ होता है। और ये भी सच है, कल्याणी कहती कि ये भी सच है कि मैं सबसे प्रेम नहीं कर सकती,
मैं परेशान हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ, निराश हो जाती हूँ। अब शांति के बारे में कहती है श्रीमती कल्याणी कि एक बार मुझे शांति का एहसास हुआ था, मैं बहुत खुश थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, शांति से भीगी हुई, शांति से भरी हुई। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार मैं अशांत हो जाती हूँ, चिड़चिड़ करती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तीसरा विश्वास के बारे में कहती है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है कि सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, और कई बार छोटी सी घटना घटती है और मैं डावाडोल हो जाती हूँ, पता नहीं मेरा विश्वास कहाँ चला जाता है। तब मुझे उस चीज पर विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। पर आगे कहती है श्रीमती कल्याणी कि जब मैंने इन तीन चीजों के बारे में नारायण शास्त्र में पढ़ा कि इनके भीतर प्रेम शांति विश्वास ये शब्द नहीं है, खजाना है, खजाना इनके भीतर भरी पड़ी है, सुख शांति समृद्धि बरकत बढ़ोतरी प्रचुरता। कल्याणी कहते कि जिस दिन मुझे ये बात नारायण शास्त्र में पढ़कर समझ में आई, मैंने सोच लिया कि मुझे इन्हें अपने सिस्टम में डालना है, अपनी आदत बना लेनी है। तो प्रेम के लिए मैंने कैसे मंत्र बनाए अपने लिए, श्रीमती कल्याणी कहती है कि क्योंकि मुझे अपने सिस्टम में डालनी थी चीजें, जब मुझे रहस्य समझ में आ गया कि इनके भीतर छुपी हुई बरकत बढ़ोतरी समृद्धि प्रचुरता, मैं लोगों से प्रेम करने लगी, सबसे प्रेम से व्यवहार करने लगी। पर जब कभी मैं क्रोधित होती या हर्ट में होती तब मैं अपने आप से कहती हाथ पकड़कर कि इस क्षण जरूर मुझे क्रोध आया हुआ है, मैं डिस्टर्ब हूं, हर्ट हूं, मेरे भीतर ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, पर असल में मैं एक प्रेम देने वाली और प्रेम पाने वाली महिला हूं। बारंबार, हाँ ये दोनों के लिए लागू होंगे ये मंत्र, मेरे भाई के और बहन सब के लिए, कि इस वक्त जरूर मुझे क्रोध आया हुआ है, मैं हर्ट हूँ या ईर्ष्या द्वेष मेरे भीतर चल रहा है, पर असल में मेरा बेसिक नेचर है लोगों को प्रेम देने का और लोगों से प्रेम पाने का। मैं बारंबार इस मंत्र को रिपीट करती रहती हूँ। दूसरा, शांति के वक्त क्या करती हूँ, मैंने अपने आप को शांत रखने के लिए क्या क्या चीज़ें उपाय अपनाए हैं। अक्सर मैं शांत रहती हूँ पर जब डिस्टर्ब हो जाती हूँ, अशांत हो जाती हूँ, मैं बारंबार रिपीट करती हूँ कि इस क्षण जरूर मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे क्रोध आ रखा या अशांत हूँ, पर असल में मैं एक शांति प्रिय महिला हूँ, जो पीस ऑफ माइंड जिसका रहता है, शांत मन वाली महिला हूँ। बारंबार रिपीट करती हूँ मैं कि इस क्षण में क्रोध है, मेरे भीतर क्रोध नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, इस क्षण के भीतर डिस्टर्बनेस समाया हुआ है, पर मैं खुद एक शांति प्रिय महिला हूँ। तीसरा, विश्वास के बाबत कहती है श्रीमती राधिका, श्रीमती कल्याणी, कि जब मेरा विश्वास डावाडोल होता है तब मैं बारंबार कहती हूँ कि क्षण जरूर डगमग कर रहा है पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। कहती है कल्याणी कि जब से मैंने इन मंत्रों का सहारा लिया कि मैं प्रेम से भरी महिला हूँ जो लेना भी जानती है, देना भी जानती है, मैं एक शांति प्रिय महिला हूँ और मुझे प्रबल विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, इस समय थोड़ा सा आया है पर जाने के लिए आया है और अल्टीमेटली मेरे साथ सब अच्छा 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 ही होगा। जब मैंने इन तीन मंत्रों का उच्चारण बारंबार करना शुरू किया
कहती कल्याणी मेरा तो जीवन ही बदल गया। आज मैं प्रचुरता भरा जीवन जी रही हूँ इन मंत्रों की सहायता से। पर बहुत सही चीज आप आज आप तक पहुँचेगी और करबद्ध प्रार्थना है, इसे फॉलो करना है ना, ताकि एक महीने बाद जब 11 नवंबर दिसंबर को हम मिलें तो आप प्रचुरता से भरे हो। हाँ, हमने बताया कि उसने सब कुछ भरकर हमें दे रखा है, ऊपर तक भर दिया है। जब हमने पूजन किया पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, माँ सरस्वती जी का हमने पूजन किया, उन्होंने हमें कलश पकड़ा दिया जो बरकत बढ़ोतरी प्रचुरता से भरा हुआ है और जो जो आपने मांगा है सब चीजें इसमें डाल दी गई है। पर ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, हमारा कौन सा व्यवहार कौन सा स्वभाव हमें प्रचुरता से भरा जीवन जीने नहीं देता, उस पर जरा सा फोकस करते हैं। पहली स्टोरी लेते हैं केशव की, कि जब वो वापस वहां पर पहुंचे झरने के पास, सना उन्हें दिखाई नहीं दी। उन्होंने आवाजें दी, जवाब नहीं आया, वे लोग डिस्टर्ब हो गए और कितना कुछ कह दिया। सीन याद आ गया क्या? हम में से हम लोग भी वही गलतियां करते हैं, बिना किसी की मजबूरी समझे, बिना पूरी बात जाने कितना कुछ बोल देते हैं। वो तो मिस्टर केशव को तो भी ग्लानी हुई कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमें तो शायद ग्लानी भी नहीं होती कि बोला तो क्या हुआ, अगला देरी से आया था। अब आपका यही स्वभाव ध्यान से सुन लीजिए, शास्त्र कहता है कि यहां पर मां सरस्वती विराजती है, ये सबको मालूम है ना, और जीभ के ऊपर मां लक्ष्मी विराजती है। नारायण शास्त्र कहता है कि आपके कंठ में मां सरस्वती और जीवा पे लक्ष्मी जी विराजती है ना। आपने अंट शंट बोलना शुरू किया, आपके शब्दों के पत्थर इस घड़े पर पड़ते हैं, यहां से वो लिक्विड रिसना शुरू हो जाता है। अगर साइड में से रिसना शुरू होगा, रिसना समझता है क्या, तो कहां से प्रचुरता आएगी? उसने तो भर के दिया है। निंदा चुगली पीछे से पीठ पीछे बोलना ये छेद करता जाएगा और उसमें से लिक्विड रिसता जाएगा ऊपर तक। बरकत बढ़ोतरी मत सोचना फिर होगी जीवन में, खाली हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। समझा? दूसरा केस था सांप और सीढ़ी का, मिस्टर माधव के नाम से। हम यदि किसी के जीवन में सीढ़ी का काम करते हैं, किसी के अब सीढ़ी यदि किसी के जीवन में बनते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। किसी को भी इनकरेज करोगे, प्रेरणा दोगे, प्रोत्साहन दोगे, तो जब आप ऐसा सीढ़ी बनने का व्यवहार करोगे तो ये सरफेस और मजबूत होता जाएगा, ये और ऊपर आता जाएगा, प्रचुरता भरा जीवन आप जीना शुरू कर देंगे। पर यदि किसी के जीवन में सांप बनते हैं, ताने मारते हैं, पत्थर आपने उसको मारा, उसको नहीं लगेगा, आपके घड़े पर आएगा और छेद हो जाएगा। नतीजा वो तो भरपूर दे रहा है पर हम चलनी लेके खड़े हैं, कहां से भरेगी वो चलनी? और सिर्फ हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव, ओनली 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 प्रचुरता भरा जीवन जीने से हमें रोकता है।
और सबसे पहले नंबर पर है हमारे द्वारा किए गए प्रयोग किए गए शब्द, हमारे मुख से नेगेटिव शब्द निकला, आप समझ लीजिए पत्थर निकला है घड़े पे जाएगा। तीसरी स्टोरी पर चलते हैं। लोगों के जीवन में सीढ़ी का काम करना है, सांप मनते हैं, आपको लगता है हम उनको काट रहे हैं, आपके पास ही आने वाला है, आपके पास ही आने वाला है। तीसरी स्टोरी, प्रेम शांति विश्वास। अच्छे से समझ लीजिए, हमने अभी नया साल मनाया, हमने कितनों को विश किया नया साल शुभ हो, शुभ हो, सुख शांति समृद्धि से भरा हो, कितनों को हमने विश किया हमको भी नहीं मालूम है। और कितने सारे माध्यम के माध्यम से, मैसेज है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, कार्ड है, फोन पे है, रूबरू है, और कितनों ने हमें विश किया हमें गिनती भी नहीं, कितने सारे लोगों ने हमको बोला विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सुख शांति समृद्धि से भरा आपका साल हो। ये चाहे उन लोगों ने रैंडमली बोल दिया हो, पर आपको क्या लगता है इतने सारे जनों ने बोला तो क्या फलित नहीं होगा क्या? वो फलित होना चाहिए ना, कितने सारे लोगों ने बोला है और हमने भी बोला है, तो स्वाभाविक है जब हमने भी बोला तो वो चीजें हमारे पास आनी चाहिए, है ना। पर ये समृद्धि है, ये बरकत है, ये प्रचुरता है, ये बढ़ोतरी है, इन्हें पाने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है जिस रास्ते से वो आती है, वो रास्ता पकड़ना पड़ता है। हमने कहा ना, यदि मेंटेन रहना है, मेंटेन रहना खाली बोलने से नहीं होगा, हमें रास्ता पकड़ना पड़ेगा, मेरिट में आना है तो मेरिट में कौन सा रास्ता ले जाता है उस रास्ते पर चलना होगा। तो इन चीजों को साधारण मत समझिए, इनके भीतर समेट भरपूर समेटा हुआ बरकत बढ़ोतरी प्रचुरता 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 से भरा हुआ है। तो जिस तरह कल्याणी ने अपनाए नियम कि मैं प्रेम से भरी हूं, इस क्षण जरूर मुझे क्रोध आ रहा है पर मैं प्रेम से भरी महिला हूं, प्रेम लेती भी हूं, प्रेम बांटती भी हूं। ध्यान रहे आप अड़ते हैं, जिद करते हैं, ऐसे क्रोध आता है आपको, जा मुझे बात ही नहीं करनी है, ऐसी अवस्था में जब तक आप ईगो से भरे हुए हैं, जिद पर हैं, तो सोच लीजिए आप लगातार इस घड़े पर पत्थर फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं, मार रहे हैं, अनगिनत छेद हो जाएंगे। वो बेचारा क्या करेगा? बहुत बड़ा रहस्य आज आप उसने पहुंचाया आप तक पर, ये विशेष यदि बाकी चीजें आपसे नहीं होती है इट्स ओके, कोई चीज का फोर्स नहीं है, है ना। हम तो खाली वो मैसेज देता है हमको, हम आप तक कन्वे करते हैं, बस ये इतना संबंध है हमारा, संदेश उसका है, हम माध्यम है आप तक पहुंचाते हैं। और क्यों बारंबार वो माध्यम, वो क्यों संदेश भेजता है, वो चाहता है आपका जीवन सुंदर बने, ये एक ही मकसद से। पर खाली इतना भी आपके भीतर आज के दिन उतर गया कि माँ सरस्वती जी यहाँ पर है, जीवा पर लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं अभी इस क्षण, नहीं तो ये स्थान है, हृदय का स्थान है उनका, स्थान उनका ये है, यहाँ गणेश जी, यहाँ माँ सरस्वती, यहाँ लक्ष्मी जी, पर अभी त्योहार अभी जस्ट हो के चुका है इसलिए वो यहाँ बैठी है कि अच्छा तो बोलो ताकि मैं तुम्हें भरपूर कर दूँ, तैयार बैठी है। खाली आप लोगों को वाणी का सदुपयोग करना है, बस इतना इतना इतना। सब्जेक्ट पूरा समझ में आया क्या? है ना, हाँ। तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ, अभी आंखें बंद कर लीजिए, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करना है,
पहले हमने 1500 भर लिए थे, है ना। आप जरा सा करेंसी चेंज करते हैं नारायण के उपस्थिति में। हाँ, हम जैसा कहते जाएंगे वैसा ही करना है, क्योंकि उसने वो फॉर्मेट हमको बनाकर भेजा है, जो ऊपर से बन कर आया वही आप तक पहुंचा रहे हैं। कल्पना के लिए कर लीजिए कि आपके सामने एक ड्रॉवर है, पहले उसमें अच्छे से 2000 वाली गड्डी जचा लीजिए कि एक लेयर पूरी 2000 के नए नोट की गड्डी, गुलाबी गुलाबी नोट है। उसके बाद लेयर आएगा 100-100 के नोटों का, क्योंकि छुट्टे भी चाहिएंगे हमको, 100, 50, 20, 10 लाइन से ड्रॉवर भर लीजिए। जब आपको विजुलाइजेशन हो जाए 2000, 100 रुपीस, 50 रुपीस, सब नई गड्डियां, 20, 10, चिल्लर पैसा भी एक प्याले में, बस उसी ड्रॉवर में, ये दिख गया। अब हम नारायण का धन्यवाद कर रहे हैं और उसे हाजिर मान कर उसी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। उस ड्रॉवर से कहें भीतर ही भीतर कि आप हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत लक्की हैं, बहुत शुभ हैं, आप में रखे रुपयों की बहुत बरकत होती है, बहुत बढ़ोतरी होती है, आपका धन्यवाद है। कहें उससे आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू। और साथ ही उसे हमें ये संदेश भी दे देना है कि जब भी आप इस ड्रॉवर से बाहर किसी के पास जाओ, जिसके पास भी जाओगे, उसके खूब बरकत करना, बढ़ोतरी करना, उसे प्रचुरता से भर देना। और उसके बाद पूरे खानदान के साथ वापस हमारे पास आ जाना। नारायण 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 नारायण। नारायण का संदेश है कि इनसे कह दो, जब रसोई घर में प्रवेश करे, जब रसोई घर में प्रवेश करे, उसके पहले जरा बाल बाल बाके तैयार होके रसोई में जाए, मुस्कुराते हुए प्रवेश करे। जितने खुश मन से आप रसोई घर में प्रवेश करते हैं, उतनी अधिक बरकत और बढ़ोतरी होती है। नारायण नारायण नारायण। मुस्कुराते हुए जाना है, हम ये सोच में उसका प्रसाद बना रहे हैं, अतिरिक्त पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। और फिर देखिए कैसे अपने जीवन से हम प्रचुरता भर लेते हैं। नारायण 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 नारायण। सन 2016 को कई सदियों से हम सुन रहे स्वीट 16, स्वीट 16। तो नारायण से प्रार्थना की हकीकत में जाते जाते अपनी मिठास देता जाए हमें, और आने वाला 2017 हमारे जीवन में प्रचुरता भर दे, प्रचुरता भर दे, प्रचुरता भर दे, यही भावना, यही कामना। नारायण नारायण। I love you, I like you, I respect you, Narayan bless you, Narayan bless you, Narayan bless you। सुबह सुबह ये भाव भीतर आया, ये चीजें चल रही थी ना दिमाग में, क्योंकि जो बोलना होता दिमाग में चलती रहती है। अब मैं जब निकल रही थी, मैंने अपनी बहू से कहा, उसके पास टाइम नहीं था, वो तो आती थी यहाँ पर, मैंने कहा यदि आज का टॉक भीतर किसी के उतर गया वो निहाल हो जाएगा। उसने सार भेज दिया है, सार भेज दिया है, सार। नारायण नारायण नारायण।